बोकारो के बेरमो अनुमंडल के पिटरवार थाना क्षेत्र के खेतकों में मुहर्रम के जुलूस में उस समय चीख पुकार मच गई जब ताजिया उस इलाके से गुजर रहे 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन में सट गया। इससे उस ताजिया को लेकर जा रहे सभी 13 लोग झुलस गए। इनमें 4 लोगों की मौत हो गई है, 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। ये घटना शनिवार की सुबह 5:30 बजे की है। मृतकों में आसिफ रजा, इनामुल रब, गुलाम हुसैन व साजिद अंसारी शामिल हैं। सभी घायलों को BGH बोकारो में भर्ती कराया गया है। इनमें 7 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार ताजिया का जुलूस खेतको ऊपर मोहल्ला से निकलकर खेतको कथारा मेन रोड स्थित मंदिर के समीप मिलान के लिए पहुंचा। 4 ताजिया एक लाइन से लेकर लोग चल रहे थे। अंतिम ताजिया तार में सट गया। घटना के बाद परिजनों व लोगों ने तत्काल सभी घायलों को DVC बोकारो थर्मल अस्पताल लेकर आए। इनमें आसिफ रजा, इनामुल रब, गुलाम हुसैन, साजिद अंसारी, सलाउद्दीन अंसारी, इब्राहिम अंसारी, लाल मोहम्मद, फिरदौस अंसारी, मेहताब अंसारी, आरिफ अंसारी, सहबाज अंसारी, मोजोबिल अंसारी व साकिब अंसारी भी शामिल थे। सभी को बोकारो थर्मल से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए BGH बोकारो भेजा गया। बोकारो ले जाने के क्रम में आसिफ रजा, इनामुल रब, गुलाम हुसैन एवं साजिद अंसारी की मौत हो गई। बहुत ही सब तो दुखित में है, दुखित में बहुत है। और ये सब को हम लोग हर पल खड़ा रहेंगे दुख में। सरकार द्वारा सब देखभाल करेंगे। और पेटरवार ब्लॉक के खेतको पंचायत खेतको गांव की आज सुबह की ये घटना है, जिसमें ताजिया उठाने के क्रम में वहाँ पर यह दुर्घटना घटी है। करीब 13 लोग जिसमें बिजली लगने से उस समय घायल हुए, और अभी BGH में 11 लोग जो एडमिट हुए थे, 4 की दुर्भाग्यपूर्ण इसमें मृत्यु हो गई है। सबसे पहले परिजनों के साथ हम लोग समन्वय बनाए हैं, और जो सरकारी मुआवजा है, जो राशि है, उसको देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। माननीय मंत्री महोदया के द्वारा भी अभी मृतक के परिजनों के साथ भी संवाद किया गया, और जो बाकी 7 लोग अभी एडमिट हैं उनको भी जाके हम लोगों ने देखा है। उनकी स्थिति अभी सामान्य है, आउट ऑफ डेंजर है, परंतु यहाँ पर चिकित्सक गण और उनकी टीम लगातार उनके स्वास्थ्य के ऊपर मॉनिटरिंग करती रहेगी। और साथ के साथ जिला में अन्य सब जगह जो आज मुहर्रम का पर्व है उसको लेकर हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी प्रकार से इस तरह की घटना पूरे ज़िले में कहीं भी पुनरावृत्ति ना हो, इस पर सघन हम लोग के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। देखिए, बिजली का सभी जगह जहाँ जहाँ ताजिया का मूवमेंट है सब जगह बिजली काटी जा रही है। चास और बेरमो में अन्य जगह पर भी मॉर्निंग में जो जुलूस निकाला गया है कहीं पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी है, और हम लोग लगातार कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कल भी हम और SP साहब के माध्यम से इस पर हम लोगों ने बारीकी से एक एक जगह कर रिपोर्ट भी ली है। सुबह से हम लोग डेटा ले रहे हैं, तो ऐसी घटना नहीं हुई है। अब चूँकि घटना घटी है तो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हम लोग मृतकों के जो परिजन हैं और उनका जो शव है उसको नियमानुसार प्रक्रिया करके आगे बढ़ाएं, और उसके बाद में इस घटना का क्या कारण है, किस कारण से हुआ है, उसको हम लोग बारीकी से जांच करेंगे। अभी इसमें हम लोग सभी विभागों के साथ समन्वय कर रहे हैं, बिजली विभाग के साथ, सामाजिक सुरक्षा का जो विंग है उसमें जो इनको बेस्ट मुआवजा है वो हम लोग अभी देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ताजिया उठाने के क्रम में ये घटना जो है खेतको गाँव में घटा है, और वहाँ पर उसके बाद जैसे ही हम लोगों को सूचना मिला कंट्रोल रूम के माध्यम से, हम लोगों ने वहाँ पर वन पदाधिकारी को भेजा और क्विकली उनको जो है नज़दीक के अस्पताल VTPS में उनको भेजा गया। फिर वहाँ से उनको रेफ़र किया गया BGH, और यहाँ पर जो है 7 लोग जो हैं अभी उनको वो लोग ठीक स्थिति में हैं, और 4 लोग जिनका की डेथ हुआ है, तो उसमें DC साहब ने बता ही दिया कि जो भी सरकारी प्रावधान है उसके तहत उनको जो है मुआवजा दिया जाएगा। बाकी हम लोग देख रहे हैं कि बोकारो थर्मल हॉस्पिटल में एम्बुलेंस मौजूद नहीं रहने को लेकर लोगों ने काफी हंगामा किया। एम्बुलेंस नहीं रहने के कारण स्थानीय लोग व बोकारो थर्मल इंस्पेक्टर शैलेश कुमार चौहान ने अपने वाहन से सभी को बोकारो भेजा। दूसरी ओर प्रशासनिक पदाधिकारियों ने मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजली विभाग की ओर से बिजली नहीं काटी गई थी। इस संबंध में विभाग का कहना है कि उन्हें सूचना नहीं दी गई थी। जब वहां से ताजिया गुजरा तो लोगों ने बांस व बल्ली से उस तार को उठा दिया था। आधा ताजिया निकल गया था, इसी दौरान तार बांस से निकलकर नीचे आ गया और ताजिया से सट गया। इससे उस ताजिया को उठाने वाले लोग हादसे के शिकार हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया।
सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि बोकारो जिले के खेतकों में मुहर्रम जुलूस के दौरान दुर्घटना का दुखद समाचार मिला। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुखी इस घड़ी सहन करने की शक्ति दे। जिला प्रशासन की देखरेख में घायलों का इलाज चल रहा है। सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। घायलों के देखने के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचे। बोकारो के डीसी व एसपी भी उनके साथ थे। मौके पर मंत्री ने कहा कि घायलों को हर संभव मदद दी जाएगी। मौके पर पहुंचे बेरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह ने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए व घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजा दिलाया जाएगा। इसके अलावा आपदा राहत कोष से 25,000 रुपए दिलाया जाएगा। इसके साथ ही सभी को पीएम आवास उपलब्ध कराया जाएगा। बेरमो से राकेश वर्मा के साथ संजय मिश्रा की रिपोर्ट। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।